Assalamu alaikum. Second problem, according to the concept of mole ratio based on valence chemical equation. जेके भी प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 जी लास्ट में जेके एक्सरसाइज में जेके भी प्रॉब्लम्स आहिनि उहे हिन ई प्रोसेस जे ज़रिए थींदा. जेके प्रोसेस में जंहिं प्रोसेस जे तरीक़े सां मां तव्हांखे प्रॉब्लम सम्झायां थो, अहिड़ी प्रॉब्लम्स इहे जेके प्रॉब्लम्स आहिनि अहिड़े तरीक़े सां थींदा. सो प्रॉब्लम सेकेंड आहे, कैल्शियम कार्बोनेट आर मार्बल्स ऑन हीटिंग गैस गैस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, कैलकुलेट हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एटमॉस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, हाँ ये जो प्रॉब्लम होंद इन प्रॉब्लम का पैरियां इन प्रॉब्लम के सॉल्व करण का पैरियां अस इन कैल्शियम कार्बोनेट में जो केमिकल रिएक्शन थे तो उनकी केमिकल इक्वेशन अस बैलेंस कर लिखासी. वह क्या कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में वेन हीटेड, यानी अस उन कैल्शियम कार्बोनेट जैसे अस हीटेड कहे तो असा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेट में प्रोड्यूस. हाँ ऐसो तो इक्वेशन बैलेंस आ या ना. ठीक है, कैल्शियम रिएक्शन साइड वन एटम आ, प्रोडक्ट साइड भी कैल्शियम वन एटम आ, कार्बन वन एटम आ, कार्बन वन एटम आ, ऑक्सीजन थ्री एटम्स आ, वन ऑक्सीजन ए टू ए, इक्वेशन बैलेंस आ. हाँ इतने जो अस सॉल्यूशन मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन हाँ कड़ो मेथड था यूज क्यों असा प्रोपोर्शन मेथड. प्रोपोर्शन मेथड हाँ प्रोपोर्शन मेथड में शाथी दो असा सिर्फ इतों पढ़ना से हे देखो असा के चे पे तो अस उन बारे में इक्वेशन तो लिखी इक्वेशन के बैलेंस भी कर सकते इक्वेशन बैलेंस भी आ पर हाँ चे तो कैलकुलेट हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, हाँ अस मालूम कदासी ग्राम्स छाजा ग्राम्स मालूम कदे कैल्शियम ऑक्साइड जहाँ हाँ एक्स मां तव्हांखे पहिरीं ई ॾसियो हुयो एक्स उते लिखंदासीं उन फार्मूले जे मथां लिखंदासीं जेका असांखे मालूम करणो हूंदो छा मालूम करणो आहे उन जा ग्राम्स मालूम करणा आहिनि क्वेश्चन मार्क सही आहे. ठीकु आहे, हाणे वरी छा आहे हाउ मेनी कैलकुलेट ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एटमॉस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. हाँ इतने असांखे एट मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिलल है कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट के अठ मोल में उनके मास माना कैल्शियम ऑक्साइड जो केतरो मास असांखे ग्राम्स में मिलो. ठीक है, पर जो अस इन फार्मूला के जरिए इन फार्मूला के ऐसा तो वेन वन मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिकम्पोज टू फॉर्म वन मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वन मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. हाँ कैल्शियम कार्बोनेट जो मॉलिक्यूलर मास मोलर मास से 100 मिलो असेंगे पैर अस मोलर मास में कैलकुलेट कर आया हूँ. हाँ जो कैल्शियम ऑक्साइड आ कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम जो मास आ 40 आ प्लस ऑक्सीजन एक आइटम जो मास आ 16 40 प्लस 16 इज इक्वल टू 56 ग्राम सही आ. हाँ जो अस कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट क्यों कार्बन जो मॉलिक्यूलर मास माना मॉलिक्यूलर मास में कार्बन एलिमेंट जो मास आ एटॉमिक मास आ वो शायद 12 आ ऑक्सीजन के बिन एटम जो मास 32 प्लस 12 इज इक्वल टू 44 ग्राम्स सही आ. हाँ असंखे ऐसा असंखे सिर्फ इन शे के ऐसा आ कैल्शियम ऑक्साइड के मास के ऐसा आ कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स के ऐसा. ठीक है, मैं पैर भी ऐसा हो अकॉर्डिंग टू स्टोचियोमेट्रिक कैलकुलेशन वी कैन कन्वर्ट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इंटू इट्स मास और वॉल्यूम. तो हाँ इतने इन मोल्स के अस उन मास में कैलकुलेट कर सकूँ था. ठीक है, तो इतने वरी छा एट सॉरी एट
मोर्स लिखो बाय वन मोल इज इक्वल एक्स बाय 56 ग्राम सही हाँ जो असन के भाई बिन्हीं के बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कदा से ये हाली ये हाली तो असो जो जवाब इंदो वो कड़ो जवाब इंदो एक्स एक्स इज इक्वल 8 मल्टीप्लाई बाय 56 इज इक्वल ठीक है यानी वेन वी मल्टीप्लाई 8 विद 56 तो असके जो एंसर मिल 448 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ये अस एंसर है ठीक है माना इन जो मतलब यो थो इन 8 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 448 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन जो अल्टरनेटिव मेथड मेथड नंबर टू की थी दो सॉल्यूशन इतने वन मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है वन मोल ऑफ CaCO3 इनके वो कर लिखा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट गैस आर प्रोड्यूस आर फॉर्म्ड यानी वन मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम ऑक्साइड जो मास केतो थी 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ठीक है हाँ जो असों देन इन 8 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जर कैल्शियम कार्बोनेट जो एकड़ो मोल आ तो उनमें कैल्शियम ऑक्साइड जो मास के 56 पर जर 8 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है तो असके जवाब 8 मल्टीप्लाई बाय 56 इज इक्वल 448 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड सही है असो एंसर आ ठीक है माना मेथड टू ही हुंदा एग्जाम में तां को भी एकड़ो ही मेथड लिख सको था ये थोड़ी आ माना त जाहिरी आ मां तां के बन मेथड सिखा रहे हैं तो तां बई लिखो सिर्फ एकड़ो मेथड लिखनो आ जेको तां के इजी लगे पर हते रसो तां जेकर असा रसो था 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट असां उनके डिकम्पोज कयूं था 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलन था हाँ जो दिसो 56 प्लस 44 इज इक्वल टू 100 थींदा हाँ इतने अस 100 था मिलन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द मास जो मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट आर इक्वल ऑन द बोथ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन यानी कें भी कीमियाई अमल के दौरान या कीमियाई अमल के दौरान शुरुआती शयों जो द इनिशियल वेट ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस इज इक्वल फाइनल वेट ऑफ द प्रोडक्ट यानी हेठ दिसो जो भी वेट असांखे जो मास रिएक्टेंट में हुयो सागो ही मास असांखे प्रोडक्ट में मिलो यानी 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट जहाँ असा जैसे अस रिएक्ट करायासी उनके रिएक्शन करायासी उनके हीटअप करायासी तो असके 56 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिला उनके एड कंदासी तो 100 ग्राम्स ही सही है जो असके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो लॉयर साइंटिस्ट बुधा तो कें भी कीमे मल के दौरान नमाए के बढ़ाए सकते तो ना उनके खत्म कर सकूँ था ऐसो रिएक्टेंट में भी 100 मिलो प्रोडक्ट में भी असें 100 मिलो।